Coming Saturday, 17th of June, 2 p.m. at Shimla's restaurant, Old Dum. This is how the room looks now. ये यहाँ पे जो बर्ड फीडर्स का ट्रेंड है ना, ये मुझे बहुत पसंद है. आई फील कि पाकिस्तान में होना चाहिए. और हमें पता था आप यही मिलेंगी. और कहाँ मिलूंगी मैं, बताओ मुझे. नहीं ऐसे लाइक मुंह में इलायचियाँ शिलायचियाँ ना आए, सही है. ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं ना, फिर उससे खराब हो जाता है. लेकिन आप अनिया ने मुझे किचन में बुलाया है, विच मीन्स द किचन इज डन. अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग. क्या हाल है आप लोगों के? बच्चे तो चले गए हैं सेंसबरी, मार्क्स एंड स्पेंसर्स और पता नहीं कहाँ कहाँ. उनके आने तक मैं कीमा और रोटी या पराठे बना के रखती हूँ. आज का हमारा प्लान ये है कि आज हमने घर को हल्का करना है. कल शादान आ रहा है, उनके आने तक ज़रा कुछ खाने पीने को तैयार रखूँ. कल तो आलू गोश्त ऐसा चट हुआ था कि मैं हैरान हो गई कि इतना तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई खाना बना और इस तरह से साफ़ हो गया हो. बहरहाल आई एम हैप्पी दैट एवरीवन एंजॉयड और पूरा हो गया सबको. तो कीमा और पराठे बना देती हूँ. सब ना ना करें मगर मुझे पता है खा लेंगे वो. मैंने अपना और याया का नाश्ता बना के रखा है. याया तो अभी नहीं आए हैं तो मैं उनका वेट कर रही हूँ. और मैं खाने को वेट नहीं कराती, इसलिए मैं अपना पार्ट शुरू कर रही हूँ. उनको बैठ के कंपनी दे दूँगी. सो दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट. मक्खन टोस्ट, फ्राइड एग्स. याया की खातिर मैं सिर्फ वाइट खाऊंगी क्योंकि मैं फुल फ्राइड योग खाती हूँ. और याया को ये वाले ब्रेड के पीसेस जो लास्ट वाले होते हैं बहुत पसंद हैं. और ये हया की कड़क चाय. चलें जी, यहाँ काम जोरों पे शुरू हो गया है. मैं जा रही हूँ गैराज, वो देखें सामने. ये देखें यहाँ पे कितना काम हो रहा है. अभी ये सोफ़ा निकलेगा, यहाँ पे गजीबो लगेगा. और मैं इधर जा रही हूँ. ये देखें, व्हाट अ मेस. आई विल शो यू एन आफ्टर पिक्चर ऑफ दिस. कहाँ तक पहुँचा गाइस? ओह, द फ्रेम इज ऑल रेडी. हसन, सन ब्लॉक लगाए ला के दूँ? ये मैंने यहाँ पे बिछाया है कि जो भी चीज़ें फर्नीचर वो नहीं चाहिए वो इस पे रखूं और फिर वो सेफ रहे. अनिया ने मुझे किचन में बुलाया है, विच मीन्स द किचन इज़ डन. वही किचन है अनिया? थैंक यू. वेयर इज़ योर मेन हेल्पर? नबिया, कम हियर, टेक क्रेडिट. कुछ भी कहीं नहीं दिख रहा. ओह माय गॉड, भाई आई एम सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स. मम्मा वीडियो बना रही ना, उसमें क्रेडिट लेना है. माय मेन हेल्पर. माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. गिव मी अ हग बोथ ऑफ यू. नाउ वी कैन डू घंटों के काम. आई एम गोइंग टू डू माय ओन रूम नाउ, एम्प्टी माय सूटकेसेस. कैन आई लीव माय एम्प्टी सूटकेसेस इन द गैराज? या वही मैं कर रही हूँ अभी. Okay, so उसी की जगह बना रही हूँ. देखो जरा बाहर मैंने कितना सामान निकाला. ट्विनिंग. Oh my god, you guys have the same shirt. Yeah. Mama, we got paper plates to eat food. Mama, क्यों लिए पता है? हाँ, क्योंकि आज इनकी ड्यूटी थी ना. But job well done. Change teams, Nabiya. It's not ripping. मैंने भी देखा. But it's beautiful. It's beautiful. Match the napkins. ये देखिए. उसका तो पता भी नहीं चल रहा यार. बट ऊपर से अगर इस पे कुछ गीला गिरा तो ये मैट्स है ना सबके लिए, सबकी इस पे रखो. वर्स्ट केस सिनेरियो गिर भी गया क्या हो जाएगा, नया ले लेंगे तब तुम्हारी हम पूरी. एंड आई एम गोइंग टू सेंसबरीज अगेन इफ एनीवन वांट्स समथिंग. आई नीड टू गेट अ लार्ज फ्राई पैन फॉर माय फूड टुडे. वाओ, सब बच्चे लगे हैं आज, सब एक्टिव हैं. अभी ये चीज़ें भी सेट होंगी और ये अलमारी में कपड़े सज चुके हैं. अभी और आने हैं. गज़ीबो सेट हो चुका है. यहाँ पे भी आया बैठे हुए थे, वो अंदर गए हैं. बताओ
बस ये कमरा सेट करके फिर मैं वापस गैराज जा रही हूँ, फाइनल उसकी सफाई वगैरह करके, ताकि अंधेरा होने से पहले पहले हमारी चीज़ें सब सेट हो जाएं। अम्मा ये रख दें प्लीज़। ये आपका संभालना है जी सर्दियों का? हाँ हाँ सर्दियों में ही पहनना है आपका। अब शायद चलो ठीक है, आई कीप इट हियर। ओके ओके यहाँ पे रखा हुआ है बाकी डैडी के स्वेटर्स के साथ। ओह माय गॉड यू गाइस आर ट्विनिंग। आई नो वी आर ट्विनिंग, या सिस्टर सिस्टर। जी जनाब, गैराज हाफ वे छोड़ के मैं आई थी कमरे में ऊपर, बच्चों को मैंने लगाया अपने कपड़े सेट करने पे, तो मैंने अपना कमरा सेट कर दिया। एक अलमारी आया की बना दी, एक अपनी बना दी, आपको दिखाती हूँ। गजीबो हमने फोल्ड कर दिए क्योंकि हवा बहुत चल रही थी और उसके एक दो क्लैंप्स जो थे वो टूटे हुए थे, सो वो फोल्ड हो गया। एंड दिस इज़ याया कबर्ड। ये शर्ट आज हसन ने ला के दिया याया को और एक मुझे। ये ऊपर शर्ट्स हैं और स्वेटर्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। वो दो अलमारियाँ मैंने बच्चों को दे दी हैं, एक कन्या और हमज़ा की और बाकी मारिया नबीहा ईमान की। और ये मैंने इसमें अपने कपड़े सेट कर दिए और ये ईद के कपड़े हम तीनों के। ये ज़रा नीचे टेक लगा के बैठने के लिए। दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स नाउ। This is getting ready for badminton. ईमान हिलजुल लो। अच्छा अभी स्केचेस ला दूं आपको अपने? किसको? आपको नहीं। आज तो मैं इतना ही कर सकी हूँ। ये सूट केसेस इधर रखे हैं, ये तकियों के चादरों के गिलाफ और चादरें धुलने के लिए, ये बेड की बैग और ये सब चीज़ें चली जाएंगी और ये सब निकाला है। और नहाई हूँ, घुमाई हूँ और चेंज करके अब आई हूँ। कपड़े क्या समेटे हैं? सूटकेस से निकाल के अलमारी में सेट किए हैं और धोए हैं। आज नबिया ने बहुत काम किया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ नबिया ने पूरा किचन कराया है अनिया के साथ। मैडम बना रही है डिनर हमारे लिए आज। प्याज चुभ रहे मुझे। प्याज तो मैंने काटे हैं, आपको क्यों चुभ रहे हैं? काले में चुभ रहे। क्या बना रही हैं अनिया? आई एम मेकिंग चिकन थाइस इन अ क्रीमी सन ड्राइड टोमेटो सॉस। वाह वाह, विद राइस। राइस, बट द राइस आई एम नॉट मेकिंग। हु इज मेकिंग? यू आर मेकिंग। राइस मैं बना रही हूँ जी, मैंने निकाल दी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अनदर ब्यूटीफुल डे हियर इन स्कंथोप। याया टोस्ट पे मक्खन लगाते जा रहे हैं, हसन ने अंडे फ्राई किए हैं, मैंने टोस्ट टोस्टर में डाले हैं और अब चाय मैं बनाऊंगी, बल्कि हसन ने बना दी है चाय। ओके पानी डाला है और दूध? अभी नहीं सर, पानी। दूध कब? दूध ब्रो होने के बाद नहीं। अच्छा ओके, ठंडी ना हो जाए बस, गर्म चाय। और ये मिस्टर सिद्दीकी टोस्ट मुझसे ज़रा ज़्यादा पक गए हैं, लेकिन हमजा ने कहा कि ज़ाया नहीं होने चाहिए। तो जी लेट्स कम टू द पॉइंट। आपने मेरी पिछली वीडियो में मीटअप का सुना मगर डिटेल्स नहीं थी, सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। आई एम वेरी एक्साइटेड कि सैटरडे को 2 बजे दोपहर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह शिमला रेस्टोरेंट ओल्डम में मैं और मेरी पूरी फैमिली
आपसे मिलने आ रहे हैं. सो विल सी यू देयर इंशाल्लाह एट 2 PM शार्प शिमला रेस्टोरेंट ओल्ड हम. सफाई की मुहिम अभी तक जारी है. आज अनिया ने बुलवाया है किसी को सफाई के लिए, लेकिन समेटने का काम सबसे बड़ा है. तो मैं जो मसाले वसाले लाई हूँ वहाँ से, अनिया ने ये पेंट्री सेक्शन बनाया है और ये बाहर गार्डनिंग का सिलसिला चल रहा है. खिलाऊंगी इसमें से चूज करो. आज हो गई हलीम, आज हो गई निहारी, दो तीन दिन में बना निहारी बनाऊ या कुन्ना कुन्ना का कोई शौक कुन्ना बना लेती. अच्छा देखो मटन बिरयानी भी है. हाँ, बिरयानी खाऊंगी लेकिन कोरमा मेरे जाने के बाद. अच्छा कोरमा रहने दो, फिर कुन्ना बना लेंगे. ठीक है ओके. इमान इज ट्राइंग. ये गेम आज हसन लेके आए हैं, ये वाले, ये रिंग्स डालने होते हैं इसके अंदर एक सर्टेन डिस्टेंस. तो बस हम दोनों के 60-60 तक ही पॉइंट्स हो सके. यस मैं डालिंग. ये देखें, ये यहाँ पे जो बर्ड फीडर्स का ट्रेंड है ना, ये मुझे बहुत पसंद है. आई फील कि पाकिस्तान में होना चाहिए और हर बंदा अगर दो दो भी लगा दे कहीं पे, तो गर्मियों में कम से कम उनके लिए खाने और पानी का इंतज़ाम प्रॉपर होगा. यहाँ बैठ के खाते हैं ना हसन. हाँ. यहाँ बैठ के अंदर से बीक से. यस ईमान. ये जी यहाँ का ब्रिटिश मोतिया है, मगर इसकी स्मेल बहुत चंबेली जैसी लगती है. बट सुभान अल्लाह ये गुच्छे देखें कितने प्यारे प्यारे. अच्छा जी अब ये हो रहा है कि फ्रंट रूम में शादान आ जा रहा है, उसके लिए जगह बनानी है क्योंकि कल ये लोग जा रहे हैं ब्लैक पूल. वहाँ पे इन लोगों ने कुछ राइड्स वाइड्स और थीम पार्क जाना है. एंड मे बी दे विल गो टू ऑल्टन टावर्स आल्सो. हाँ ऑल्टन टावर जाएंगे, वहाँ से ब्लैक पूल जाएंगे शायद. सो इट्स अ डे ट्रिप. और कल जब ये लोग आएंगे तो मैं इनके लिए बिरयानी बना के रखूँगी जर्दे के साथ. आज हम बना रहे हैं हलीम, तो मैं बना रही हूँ हलीम. तो ये देखें ये वाले फूल देखें. सुभान अल्लाह इसका एक पर्पल कलर भी है कहीं. ये पर्पल और ये पर्पल जब झड़ के इसके पाउडर जो है वो देखें इसके पत्तों पे गिर. दिस इज द अदर कलर ऑफ दैट वाइट फ्लावर. आई थिंक हसन वी नीड टू वाटर द प्लांट्स टू. अच्छा इनको अभी से पैक कर दो फिर ताकि धुलो ना कुछ. Are you ready to listen to my plans now okay, or not? Okay, I'm ready. Oh, he's ready. Bismillah. Okay, double grand. I'm going to buy it. I'm reciting with it. Kone hota hai itna pyara? निकल पड़े हैं हम उसी स्ट्रीट पे, उसी रास्ते पे, उसी जगह जहाँ हम लास्ट टाइम गए थे हाई स्ट्रीट. वहाँ से फिर इनका प्लान है कि हम जाएंगे टीके मैक्स. टीके मैक्स इज़ अ स्टोर जहाँ पे पास सीज़न डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं, जूते होते हैं, मेकअप होते हैं, बर्तन, सूटकेसेस, एवरीथिंग. तो वहाँ जाएंगे, वहाँ मेरे काम का तो कुछ नहीं है, इन लोगों को कुछ लेना है. और मुझे मार्क्स एंड स्पेंसर पे देखने हैं. मेरे भाई ने मुझसे थर्मल पजामे मंगाए हैं, वो ले लूँगी. और इसके अलावा बूट्स पे कुछ देख लूँगी, तो शायद वहाँ से आई क्रीम ले लूँ. तो वही काफ़ला, वही लोग, वही सब निकले हैं फिर आज. तो वहाँ के मोमेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ. स्टे विद अस. Yeah.
What? Yeah. And fun. कोई मामा को भी तो ले, इतनी हॉटी मेरी। ये चश्मा मैंने ईमान का पहना हुआ है। मैं तो यहाँ के रोजेस देख के इतनी अमेज होती हूँ कि इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े रोजेस और हर कलर में। अभी ईमान के बैकग्राउंड में मुझे रेड नज़र आ रहे थे, लेकिन वो किसी के घर की प्रेमिसेस में थे इसलिए मैं नहीं जा सकी। बट ये देखिए, ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाए थे, ये चश्मे ईमान ने वैसे भी सर पे ही पहनने होते हैं तो मैंने आंखों पे पहन लिए। दैट सर्व्स द पर्पस। ये शर्ट मुझे हसन ने ला के दी थी, वो सो क्यूट, और मुझे लगा कि ये कलर ज़रा मेरी पर्सनालिटी से मिलता नहीं है, बिकॉज़ आई प्रेफर लाइटर कलर्स। बट ये है कि बहुत अच्छी लग रही है। और ये वो डेनम जीन्स है, बूट कट, जो अगर आपने मेरी डेनमार्क की वीडियोज़ देखी हो तो जरका के साथ जो मैं शॉपिंग पर गई थी तो वहाँ से मुझे मिल गई थी, और ये बहुत अच्छी है वहाँ के मैंगो स्टोर से। तो मैं मिस कर रहे हैं बहुत सब यहाँ पे। हम लोग जा रहे हैं उधर हाई स्ट्रीट और थोड़ा सा उधर मार्क्स एंड स्पेंसर की तरफ जाना है। वी टेकिंग अ बस फ्रॉम हाई स्ट्रीट। सभी अनिया, हमजा, नबीहा, ईमान, दूनियो में बूट्स का एक ऑप्टिक स्टोर था, वहाँ से हमने कुछ लेने की कोशिश की, सनग्लासेस फॉर मी, लेकिन ये जो मेरे साथ है ना ट्रेंडी गर्ल्स, इन्होंने रिजेक्ट कर दिए हर चॉइस जो मैं लेना चाह रही थी। दे डिड नॉट लाइक, एंड टू टेल यू द ट्रूथ, इनके पास इतना कोई ऑप्शंस थे भी नहीं। वो विड प्रॉबेबली गो चेक देम आउट इन लंदन। मुझे खिला दो एक बाइट। आई डोंट वांट टू ना। यू वांट मम्मा, मेरा फोन तो दे दे, मैं कब से फोनलेस घूम रही हूं ऐसे। दो मजे का भाई। स्वीट कॉर्न टूना, काश और हलाल ऑप्शंस होते, बट नथिंग। फ्रॉम स्टारबक्स यू वांट समथिंग? वांट समथिंग? वांट टू गो टू बूट्स? बूट्स हां। गोइंग टू बूट्स। बूट्स आई हूँ यहाँ, मुझे एक नेल कलर चाहिए। अच्छा, वैसे तो मैंने पेडिक्योर भी कराना है लेकिन सो गुड फॉर दीज ब्रांड्स जो हमारे पास पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन इनके पास फ्रेश स्टॉक होता है और लेटेस्ट चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। सो आई एम लुकिंग फॉर दिस कलर। हमें पता था आप यहीं मिलेंगी। और कहाँ मिलूंगी मैं, बताओ मुझे इधर फटाफट लेके आओ। लार्ज ले लो, लार्ज। इधर ओवरसाइज, हम ओवरसाइज पहन रहे, बट इट्स अ नॉर्मल शर्ट। मेरी ओवरसाइज है, मेरी रेगुलर। तुमने क्या साइज लिया? एक कल जो मैंने गैराज में काम किया है उससे मेरा कोई मसल रप्चर हो गया है, जिसकी वजह से बहुत दर्द है। टेंडन फट गया है कल, मेरे मुंह से निकल गया, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसको जो आप छुट्टी दे देंगी काम से तो फिर आपका ही टेंडन होगा ना, फिर इससे उठवाना था आपने। बस ये आता है पूछता है जी मामा क्या है, उसके बाद उठ के चला जाता है। मैं सारी चीजें करता हूं, सारे काम करता हूं, ना शुक्र लोग हैं आप लोग। हमजा कहते हैं कि मुझे बता दें क्या काम करना है तो मैं कर दूंगा। अब जी हम कॉफी का ब्रेक ले रहे हैं, आज शॉर्ट ही है हमारा। किसको बुला रही है? इधर आ जाओ ना नबीहा, कुछ खा लो। तो मैंने ये लिया है, ये आता ही जा रहा है कंप्रेशन के लिए, होप इट हेल्प्स। अकेली लगी हुई है, कोई जाए ना नहीं अनिया के साथ?
ईमान गो तो बचत होगी। चलें जी चेंज ऑफ प्लान, ये लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है मैक्स वगैरह ठीक है मैक्स जा रहे हैं। आंटी शी वांट्स टू कुक अस बिरयानी, मैं घर जाके नमाज पढूं और इन लोगों के लिए बिरयानी बनाऊं। वैसे तो मैं मटन बिरयानी बनाना चाह रही थी अनिया। मम्मा चिकन सही है, बस इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेग पीसों की बिरयानी का बहुत मजा आएगा, बिरयानी तो मुर्गी की होती है। हां लेकिन गोश्त थोड़ा ज्यादा डालिएगा, प्रोटीन चाहिए। तो मटन ले लूं तो ज्यादा अच्छा है ना? नहीं नहीं बस चिकन एक्स्ट्रा डाल दें। ओ हां थाइस पड़े, रहने देने दे, आप बनाएं जो बना रही हैं वो। मेरे बड़े अच्छे थाइस अनिया ने बनाए थे, वो पड़े क्रीमी था। चिकन नहीं बनाऊ ना? अच्छा भाई चिकन ही बनाते। इतनी फरमाइशें मत करो, मैं इतना कॉन्शियस होके अच्छी बिरयानी नहीं बना सकती। ऐसे लग मुंह में इलायचियां से इलायचियां ना आए सही है। ज्यादा उम्मीद लगाते हैं ना फिर उतना खराब हो जाता है, लेकिन आपकी अच्छी हो गई खबरदार। कोई मिर्चे नहीं भरूंगी बेटा, मैंने अल्सर थोड़ी कराना है तुम लोगों को। तो चलें जी इनकी बहस तो चलती रहेगी, मैं जाके खाना शुरू करूं बनाना। और याया और हसन के लिए बहुत अच्छी बच्ची है मारिया वैसे, माशाल्लाह। नहीं आई मीन इट, माशाल्लाह हर चीज़ में मेरी हेल्प करती है। इतना नबीहा ईमान को भी पकड़ पकड़ के काम कराती है। तो बस अब जा रही हूँ मैं वापस, ये लोग हम लोगों के आगे से रास्ते जुदा हो जाएंगे। हसन और याया के लिए, हाँ के लिए सैंडविचेस लिए हैं और ब्लूबेरी मफ़िन लिया है, तो उनको चाय बना के दूंगी साथ में और ये खाएंगे वो, और मैं अपना खाना बनाऊंगी नमाज पढ़ के। ओके गाइस, वी आर वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस अ मीटअप विद यू गाइस इन यूके, इंशाल्लाह। मार्क द डेट, कमिंग सैटरडे 17th of June 2 PM एट शिमलाज रेस्टोरेंट ओल्डम मैनचेस्टर। अगर आपने कोई पोस्ट कोड मांग रहे हैं तो इट्स OLDP18 इनको मैंने अभी पापे डाले थे चूरा करके, तो वो खाने आए। अभी मैंने इतनी प्यास काटी है कि मेरी आंखों से आंसू रवान दवा हो गए थे। अब मैं बिरयानी की तैयारी कर ली है, चढ़ा दी है बिरयानी। उनका फ़ोन आया, हसन और याया उन्हें लेने गए हैं बस स्टॉप से लेने गए हैं। ठीक है मैक्स से लेने गए हैं, और कुछ चीज़ें चाहिए थी वो भी मैंने हसन को बता दी हैं, तो वो लोग वो भी लेते आएंगे। तो आई वांट के उनके आने तक खाना इस हद तक तैयार हो कि आधे घंटे में बस मगरिब पड़ते ही हम लोग खाना खा लें। यहाँ पर मगरिब भी कोई 9:30 बजे होती है, तो खैर इतना टाइम तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो कल वाले चावल जो बॉयल्ड पड़े हुए थे उसका मैंने याया के लिए ज़रदा बनाना है। सेंसबरी से भी हलाल चिकन मिलती है, दैट्स सो नाइस। खाने देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फेथ इन मी, क्या आई हैड फेथ इन यू? यू डिड? आई हैड फेथ। ऐसे नहीं अनिया, मैंने भी दिखाना। क्या लेके आए हो? And would you believe something you would coincidence? We didn't get it customized. It was coincidental. Mama, the spoiled rotten dog. ये भी बड़े? ये बड़े? Seriously? दोनों दिखाओ मुझे देखो। ये देखिए। Oh, Poppy and Bella. Poppy and Bella. Cheese for Bella and Poppy and then. My biryani is halfway through. अनिया और ये लोग आए हैं वहाँ से। अनिया ने मुझे अपनी सारी पेट्स की शॉपिंग दिखाई है और बहुत फ्रेश हो के आए हैं सारे, इतने मज़े मज़े की चीज़ें लाए हैं। और वो बोल्स जो बेला और पॉपी के लिए मिल गए इत्तेफाक से, वो कोई कस्टमाइज नहीं कराए उन्होंने, हालांकि वो गए थे बिस्किट और ब्रूनो के लिए लेने कुछ, मगर मिल गए बेला और पॉपी के। अभी मेरी अपने भाई और भाभी से भी बात हो रही थी, तो बस काफ़ी देर उनसे बात हुई, साथ साथ मैं खाना बना रही थी। एंड मैं दिखाऊं आपको, अनिया जो है वो ये लेके आई है स्पून्स के लिए ऑर्गेनाइज़र, दैट्स वेरी वेरी स्वीट ऑफ हर। तो बाहर बर्ड्स की आवाज़ भी आ रही है, आप लोग बोर ना हो जाए, मुझे हर बर्ड्स नेचर और ट्रीज़ और इन सब से इतना प्यार है। नहीं नहीं है, लेकिन ये देखें अभी टाइम क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। 8:30 बजे हैं रात के, और देखें अभी तक सूरज है।
बिरयानी दम पे है, किसी को भूख लगी है, भूख लगी है, और ये जर्दा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है क्योंकि इसमें उबले हुए चावल जाएंगे। ये जी टेबल सेट हो रहा है और खाना अब आपके 15 मिनट हो गए, 10 मिनट और दे दो नमाज के लिए। ओए प्लीज डोंट डू दिस टू मी। 10 मिनट बिरयानी चाहिए। एक्टिंग करने को बोला तो ओवर एक्टिंग। बदतमीज़ रूइंड इट। क्या है जाके ही बजाना है तो फायदा, इधर से ही बजाना है ताकि सबको पता चले कि खाना बिस्मिल्लाह। These people need to start coming. चलो पतीले के लिए रेडी है। जर्दा तो रेडी है, बिरयानी के दम में 5 मिनट है। प्लेट में खाएंगे या प्रॉपर प्लेट में खाएंगे? बिरयानी इज रेडी, धुआंदार। जर्दे को मैंने फिर दम पे लगा दिया ताकि थोड़ा लग जाए नीचे से, और ये प्लेटों के साथ सब रेडी है। खुशी 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 खुशी। अनिया आर यू रेडी? मैं तो दुआ भी पढ़ ली है जल्दी से।